श्योपुर में आज कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बिजली विभाग के द्वारा किसानों को झूठे प्रकरण बनाकर जेल भेजे जाने को लेकर राज्यपाल के नाम बिजली विभाग में कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों के ऊपर झूठे प्रकरण फंसाकर केस बनाकर जेल भेजा जा रहा है, अधिक बिल दिया जा रहा है और किसानों को जब ज्यादा बिल आने की शिकायत करते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उसको लेकर आज हमने बीजेपी सरकार और बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया कि अगर सरकार किसानों के बिजली बिलों को लेकर और किसानों पर लगाए गए झूठे आरोपों को खत्म नहीं करती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। वहीं जब एसपी साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई भी बिल गलत नहीं पहुंचा है, तो अगर कोई बिल गलत पहुंचता है तो हम उसको सही करवा देंगे। वैसे तो हमारे बिल मीटर रीडिंग के हिसाब से आते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे देखते हैं। कि जो दरें हैं वो ज्यादा आ रही हैं, कुछ और समस्या थी, किस प्रकार का प्रदर्शन है और क्या आश्वासन दिया आपने? ये जो इनकी की समस्या है, इनका कहना है कि किसानों का फर्जी केस बना दिए है वो जो अदालत पर लंबित है। इस शिकायत के लिए भोपाल से ऑलरेडी एक टीम बनाई जा चुकी है, तीन दिन से जांच कर रही है और जांच की अपनी रिपोर्ट एमडी ऑफिस में देगी। उसके आधार पर जो भी आगे हमारा वरिष्ठ कार्यालय निर्देश लेगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। सर, उनकी एक शिकायत है कि बिल वाकई ज्यादा आ रहे हैं, इस पर क्या अंकुश लगाया जा रहा है? बिल हमारे आ रहा है मीटर से ही बिल आ रहा है और अगर कोई भी शिकायत आएगी उसको निराकरण भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। जो कोई शिकायत होगी गलत बिलों का तो ठीक करेंगे और जिसके कारण गलत आया उस मीटर रीडर को भी हटाएंगे या जेई की गलती उसको कार्रवाई करेंगे। के साथ इकट्ठे हुए हैं पूरी कांग्रेस यहाँ पर, किस मुद्दे को लेकर यहाँ आज प्रदर्शन चल रहा है? डर ला यार, मुझे आज हमारी मांग ये है, सबसे बड़ी पढ़िए आप इसको, ये श्योपुर क्षेत्र में लगातार शिवराज शासन ऐसा प्रताड़ना कर रहा है कि शिवराज का शासन चल रहा है और किसान कारावास में जा रहा है। श्योपुर क्षेत्र का वो किसान जो कोई उद्योग नहीं चलाता है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, केवल जमीन अपनी कोई 2 बीघा से, कोई 15 बीघा से, कोई 10 बीघा से, कोई 8 बीघा से, कोई 25 बीघा से अपना पूरा सालाना गुजारा करता है परिवार का, आज स्थिति यह है। मध्य प्रदेश का ये 25 मंडल जो लिखा हुआ है, यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के संगठनात्मक कर्ता जो नेता बैठे हुए हैं वो लोग इससे मिलकर के लूट कर रहे हैं। किसानों के साथ ऐसी लूट कभी नहीं हुई। आज एक एक किसान को जिनका किसी का 5-8 सौ का बिल है, किसी का 8-8 सौ का बिल है, वो 15 एचपी का दिया जा रहा है, किसी को 18 एचपी का दिया जा रहा है, किसी को 20 एचपी का दिया जा रहा है। मतलब हजारों रुपए की लूट की जा रही है, पूरे क्षेत्र से करोड़ों रुपए की लूट की जा रही है, लेकिन शिवराज के शासन में उनको उल्टे किसानों को जेल के वारंट बनाए जा रहे हैं और किसानों को जेल पहुंचाया जा रहा है। हम आज इस मांग को विरोध करने आए हैं कि अगर किसानों के साथ ये अत्याचार लगातार किया गया, कांग्रेस पार्टी आज आंदोलन कर रही है, इसके बाद किसानों के साथ लेकर के पुरजोर तार्किक तरीके से विद्युत मंडल सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करेगी। आप देख रहे होंगे श्योपुर जिले के किसानों के संग प्रताड़ना चल रही है। इसी तरह श्योपुर नगर शहर के साथ जो कस्बे हैं उनमें गरीब गरीब मजदूर लोग, ऐसे कई ठेले वाले जिनको 50 रुपए कमाते हैं उनका बिल 25,000 है, किसी का कोई मजदूरी पन्नी बेचता है उसका 50,000 रुपए है और इनका विद्युत मंडल का मीटर इतनी रफ्तार में तेज दौड़ रहा है कि पूरी मध्य प्रदेश की जो वसूली है शिवराज सिंह शासन की वो बिजली विभाग से लूट खसोट करके कराई जा रही है, खजाना भरा जा रहा है और मजदूर किसान और गरीब लोगों को प्रताड़ना की जा रही है। इसको विरोध में हम आज मांग करने आए हैं कि इन बिलों को सुधार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ लेकर के व्यापक रूप से आंदोलन करेगी।